बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय जी। आकाश जी, सबसे पहले की ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर से उन विधायकों के लिए जो पहली बार चुनकर आए हैं या नए विधायक हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो दूसरी पार्टियों से अलग करता है वो हमारे प्रशिक्षण वर्ग रहते हैं। कार्यकर्ता तो हर पार्टी के पास रहते हैं, मगर जिस तरह से प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता है वो बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर पाते हैं और परिणाम आप सब देख रहे हैं। तो मैं भी इस प्रशिक्षण वर्ग को लेकर बहुत उत्सुक हूँ और बहुत अच्छे लीडर्स हमारा मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रशिक्षण वर्ग के बाद और ज़्यादा तीव्रता से हम जनता की सेवा कर सकें। सर, नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं, इसके बाद 2023 का लक्ष्य है, तो कितना उस वक्त कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह का शिविर, ताकि हमें विधायकों की कमियां भी पता चलती है, उनकी अच्छाइयां भी पता चलती है, उनको आगे क्या करना है ये भी उनके बारे में पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि कोई चुनाव आता है तभी सक्रिय होते हैं, तभी प्रशिक्षण होते हैं, ये तो हमारी सतत प्रक्रिया है। हाँ, ये बात सही है कि क्योंकि चुनाव है पास में तो और ज़्यादा उसको ध्यान में रखते हुए भी प्रशिक्षण मिलेगा, और जो प्रशिक्षण मिलेगा उसका लाभ चुनाव में भी निसंदेह मिलेगा। इससे अलग हटके एक सवाल ये है कि संजय शुक्ला आपके यहाँ से कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी होंगे, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इंदौर के लिए? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छा काम करता है इंदौर में, हमारे पास बहुत अच्छे नेता हैं। मुझे लगता है कम से कम 3 लाख वोटों से, 2.5 से 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते। महापौर का चुनाव विधायक वर्सेस विधायक हो सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है आपको? तो हमारा सीनियर लीडरशिप तय करेगी और हमें उन पे पूरा भरोसा है, जो भी करेगी अच्छा ही तय करेगी। आकाश विजयवर्गीय जी, जिनका कहना है कि स्वाभाविक रूप से सामने जब चुनाव होता है तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संजय शुक्ला को वो कोई चुनौती नहीं मानते, उनका कहना है कि विधायक वर्सेस विधायक इंदौर का महापौर पद का चुनाव होगा, ये कहना भी जल्दबाजी। तो वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी उज्जैन पहुंचे हैं। खास बात की बंसल न्यूज से आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ विधायक, बिंद के बड़े नेता राजेंद्र शुक्ला जी। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि एक ये बात कही जा रही थी लगातार, जो कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सिंधिया समर्थकों के लिए है, बीजेपी के नहीं है, लेकिन ये परंपरागत है बीजेपी की? ये परंपरागत है, जैसा आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण और लगातार इस प्रकार की बैठकें हमेशा से चलती रहती हैं, जिससे हम अपनी कार्यशैली को और बेहतर बनाते रहें, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम एक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन सर, मैं फिर आपसे, जब आप मिलोगे तो मैं स्वाभाविक विंद से जुड़े सवाल तो जरूर पूछ रहा हूँ। एक तो यही कि विंद में जो प्रतिनिधित्व के ना मिलने की बात अक्सर होती है, हालांकि ये मौका नहीं है, ये एक प्रशिक्षण शिविर इसमें अपनी बात रखने का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये संगठन तक या सरकार तक की बात पहुँचाई जानी चाहिए कि विंद को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। देखिए, विंद में 3 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 1 राज्य मंत्री हैं, तो ये कहना कि विंद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला ये सही नहीं है। देखिए, ये बात सही है कि विंद में जबरदस्त जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसलिए अपेक्षाएं और रहती हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं है ये बात सही नहीं। लेकिन सर, विंद से विधानसभा अध्यक्ष बनने की चर्चा बड़ी जोरों पर है, तो क्या आप इसके लिए भी मतलब कहेंगे कि आप नहीं, आप विंद से कोई प्रतिनिधित्व जरूर होगी जो विधानसभा अध्यक्ष बने? बिल्कुल, पार्टी यदि हमसे पूछेगी तो निश्चित रूप से विंध का, जहां तक सवाल आएगा, हम लोग विंध के पक्ष में बोलेंगे। आपको कोई संभावना किसी नाम की दिखती हो अगर आप बताना चाहें? मुझे कोई अंदाज नहीं है, इसका कोई अंदाज नहीं।